जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच एल ट्रिकी जी के चैनल में। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एंटवर्प 1920, लंदन 1908, या फिर पेरिस 1900, या फिर पेरिस 1924। ये प्रश्न राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड वर्ष 2011 में ये पूछा गया था, तो है तो बहुत महत्वपूर्ण, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं कि ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटवर्प 1920। जी हाँ, केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको याद भी करते रहिए और बहुत जल्दीबाजी ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको छोड़कर ना पढ़ें, कि इनको छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या आप। प्रश्न नंबर 19 देखिए। ओलंपिक के झंडे पर पांच अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है, दुनिया की एकता, या फिर मानव जाति में भाईचारा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या फिर आदमी की खेल भावना। ये परीक्षा में आया था 2011 में, राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड में, तो है तो महत्वपूर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुनिया की एकता। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, गुलाबी, हरा, पीला, नीला। ये राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ओलंपिक झंडे में गुलाबी रंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। जी हाँ, 21। ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम किस वर्ष जलाया गया? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाया गया? सन 1928 ईस्वी में। ये सन बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम खेलों से ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा बनी। तो प्रथा ये कब से बनी? 1928 के एम्स्टर्डम खेलों से ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा बनी, और यह मशाल सूरज की किरणों से प्रज्वलित की जाती है तथा अनेक धावकों द्वारा आयोजक स्थल तक लाई जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की। जी हाँ, प्रश्न नंबर 22 देखिए। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड और थर्ड परीक्षा 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुआ? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कब आरंभ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 एंटवर्प में, यानी कि ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ हुआ? 1920 एंटवर्प में। और वहीं बात करें, इस पर थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करें। जी हाँ, तो देख लेते हैं। वर्ष 1920 के एंटवर्प में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ आरंभ हुई। ओलंपिक खेलों के लिए यह शपथ वैरन पेरेडी कुवर्टिन द्वारा लिखी गई थी, और बेल्जियन फेंसर विक्टर बोइन ने प्रथम बार शपथ ली थी। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनको याद करते हुए चलें, सिर्फ पढ़े ही ना, ऐसा कुछ करिए कि याद भी हो जाए, याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं और जल्दीबाजी ना करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ओलंपिक शपथ वर्ष के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई थी, ये केबीएस टीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न, 1896 में, या फिर 1936 में, या फिर 1920 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1920। जी हाँ, ओलंपिक शपथ वर्ष 1920 के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है देखिए। वैरेन पेरे डी कुवर्टिन किस देश के रहने वाले थे? चार
चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही ऑप्शन आपको बताना फ्रांस, बिल्कुल सही है। और वही बात करें पियरे डी कुबर्टिन के बारे में कुछ और जानकारियाँ, तो वैरेन पियरे डी कुबर्टिन एक फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। जी हाँ, इनको याद भी करते रहिए। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान की कड़ी मेहनत का परिणाम था। किसके मेहनत का परिणाम था? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पियरे डी कुबर्टिन। अब इसी वर्ड को यहाँ सेट करना है, पियरे डी कुबर्टिन। देखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान पियरे डी कुबर्टिन की कड़ी मेहनत का परिणाम था। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जी हाँ, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैरन पेरे डी कुवर्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27 की। जी हाँ, 27 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। प्रश्न वही है, घुमाया गया है थोड़ा सा। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है पियरे डी कुबर्टिन को। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।